हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नाइन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो हमें इक्वेशन ऑफ कर निकालनी है जो जीरो पास होती हो गिवन दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट है उसके कोर्डिनेट क्या होंगे हमारे एक्स कोमा इसके कोर्डिनेट का सम तो क्या होगा एक्स प्लस आगे क्या दे रखा है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बाय फाइव इक्वल किसके कह रखा है एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द फाइव अब यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी डीवाई बाई डी एक्स इससे भी फाइव ज्यादा तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें प्लस फाइव करना पड़ेगा यह दे रखा है हमें अब इसको सिंप्लीफाई कर लो हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आनी है फाइव को इस तरफ ले आओ को उस तरफ ले जाओ तो माइनस फाइव इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स वाई को राइट साइड लेके आए माइनस वाई और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस फाइव लिख सकता हूं यानी अब इसको कर लेते हैं हम कंपेयर तो क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू के पी वाई इक्वल टू क्यू के तो पी की वैल्यू क्या होगी यहां पे माइनस वन और क्यों की वैल्यू क्या हो गई हमारी x माइनस फाइव ठीक है भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लेते हैं क्या होगा e की पावर p dx तो किसके इक्वल आ गया e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू माइनस वन डी एक्स तो क्या हो गया e की पावर माइनस एक्स डीएक्स का x हो गया माइनस वन इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आप सोल्यूशन देख लेते हैं सोल्यूशन कैसे निकलता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस में सी हो गया आगे देखो भाई वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा ए e की माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू क्या है एक्स माइनस फाइव और इंटी इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है ए e की माइनस एक्स डी एक्स प्लस में सी ये आ गया हमारे पास इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं y इंटू e की माइनस एक्स इक्वल टू यहां पर यू इंटू वी लग जाएगा भाई तो यहां पे x माइनस फाइव एज इट इज e की माइनस एक्स का क्या हो गया e की माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन x माइनस फाइव का डिफ्रेंसिएशन x का वन हो गया फाइव का जीरो हो गया तो ये वन इन टू और e की माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e की माइनस एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन आगे आ जाओ क्या आया y इंटू e की माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फाइव e की माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन e की माइनस एक्स डी एक्स और प्लस में c आगे सिंप्लीफाई करो y इक्वल टू e की वाई इंटू ई की माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फाइव इंटू ई की माइनस एक्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ऑफ e की माइनस एक्स प्लस सी ये आ गया मेरे पास ठीक है अब e की -x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया minus -x minus 5 e की -x अपॉन में e की -x क्योंकि हम मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में minus -e की -x अपॉन में e की -x और प्लस में c बाय e की -x ये कट गया ये भी कट गया तो y इक्वल टू किसके आ गया बच्चों हमारा minus -x 5 माइनस को अंदर ले गया -1 और प्लस में सी ए की पावर एक्स ये ऊपर जाएगा तो प्लस एक्स हो गया अब कंडीशन क्या दे रखी है हमें एट जीरो को टू दे रखे थे तो एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू टू पे इक्वेशन निकालनी है पुट कर दो भाई वाई की जगह टू इक्वल टू माइनस का जीरो फाइव माइनस वन क्या हो गया प्लस का फोर और प्लस में सी ए की पावर जीरो क्या आ गया टू माइनस फोर इक्वल टू सी क्योंकि ई e की पावर जीरो वन होता है तो सी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास माइनस का टू इस माइनस टू को यहां पुट कर दो तो वाई इक्वल टू क्या आ गया यहां पे फाइव माइनस वन फोर माइनस एक्स और यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास सी की वैल्यू माइनस का टू ई e की पावर एक्स ये सोल्यूशन आ गया ये आंसर हो गया ये इक्वेशन हो गई हमारी जो जीरो को टू से पास होगी और गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी सी की वैल्यू को हमने क्या करना है बस इसके अंदर पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर ठीक है क्लियर हो गया क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे पूछिए स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लास इज वीडियो